आज मैं हिंदी व्याकरण के बारे में बताना चाहती हूँ वर्ग चार के छात्रों के लिए। संज्ञा के बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, विचार का अनुभव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, महात्मा बुद्ध, महाभारत, पंजाब इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की पूरी जाति का बोध, जैसे शिक्षक, पुरुष, हाथी, मोर इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग, गुच्छा, सेना, परिवार इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जा सके परंतु जिसकी गिनती न की जा सके, जैसे पत्थर, चीनी, पानी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, मिठास, सच्चाई इत्यादि। बच्चों स्वयं याद करके और लिखें।